नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोग जुड़ चुके हो यहाँ पर न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम यहाँ पर एनालिसिस की बात करेंगे इवनिंग शिफ्ट के। तो हमारे साथ हमारे कैंडिडेट जुड़ चुके हैं, क्या नाम है दोस्त आपका? सर मेरा ब्रजेंद्र लोधी नाम है। क्या नाम है? ब्रजेंद्र लोधी। ब्रजेंद्र कहाँ से हो ब्रजेंद्र आप? मैं पैसे तो अशोक नगर का हूँ लेकिन इधर ही पढ़ता हूँ। अशोक नगर से हो पर यहीं पढ़ते हो? अच्छा, कब से तैयारी कर रहे हो आप? मैंने सर जब से नोटिफिकेशन आया था जब से पटवारी पे फोकस किया था। वैसे तो मैं MPPSC की कोचिंग कर रहा हूँ। MPPSC की तैयारी कर रहे हो, बहुत बढ़िया। क्या रहा आपका स्कोर? सर मेरा 140। 140 नंबर, बहुत बढ़िया। आपकी लैब में और बच्चों का स्कोर पूछा आपने? नहीं सर, किसी के 80, किसी के 85, ऐसे 100, इससे ज़्यादा किसी का। आपका 140 रहा। हाँ। बहुत बढ़िया। आप यहाँ पे टॉपिक बताने के प्रयास करोगे कि मैथ में कहाँ कहाँ से आए? हम मैथ में सर एडवांस का एक दो सवाल थे जियोमेट्री के, और बाकी सब सर अर्थमेटिक का था। अर्थमेटिक था सब, मैथ तो नॉर्मल था। जैसे हम बात करें टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन थे। नावधारा के? नावधारा का नहीं था। प्रतिशत? दो क्वेश्चन थे। प्रतिशत के दो क्वेश्चन थे। सिंप्लीफिकेशन के? नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन था बस। एक क्वेश्चन। और कोई आपको टॉपिक लगाओ मैथ में नया? आपको ये नया कुछ नहीं सर, DI के थे 4-5 क्वेश्चन। हाँ। और मतलब सब सर सब चैप्टर के एक दो क्वेश्चन थे। सब चैप्टर के एक दो क्वेश्चन थे। हाँ। सभी पूरे मैथ में हम देखे तो प्रायिकता का नहीं था सर क्वेश्चन। प्रायिकता का क्वेश्चन नहीं था? नहीं, प्रायिकता का नहीं मिला। देखने नहीं, चलिए कोई बात नहीं। लाभ हानि वगैरह का, आयु वगैरह? हाँ, आयु का नहीं था सर। और सर प्रॉफिट एंड लॉस के दो क्वेश्चन थे। लाभ हानि के दो क्वेश्चन थे। चलिए रीजनिंग की हम बात करें, रीजनिंग में आपका नॉर्मल थी सर? रीजनिंग नॉर्मल थी। रीजनिंग में फिर भी अगर हम बात करें यहाँ पर कि कोई कोडिंग डिकोडिंग? हाँ सर, 3-4 क्वेश्चन थे डिकोडिंग कोडिंग। पाई चार्ट के? पाई चार्ट के दो थे। पाई चार्ट के दो थे। और अगर बात सीटिंग अरेंजमेंट के? दो क्वेश्चन थे। दो क्वेश्चन के थे। इसके अलावा और बात करें हम, और कोई आपको याद हो कि भाई यहाँ पर रीजनिंग में या ब्लड रिलेशन के? हाँ सर, एक क्वेश्चन था सर, सबसे ज़्यादा वेटेज मुझे इंग्लिश का लगा, 35-40 क्वेश्चन। 35-40 क्वेश्चन पूरे इंग्लिश के? हाँ, पैटर्न पूरा ऐसे चेंज हो गया। हाँ। तो ध्यान से सुनिएगा, पैटर्न यहाँ पर चेंज है। 35 क्वेश्चन लगभग इंग्लिश के बताए जा रहे हैं। PQRS 10-12 क्वेश्चन थे। 10-12 क्वेश्चन PQRS, ठीक है। और हम बात करें इंग्लिश में, आप टॉपिक बता सकते हो कहाँ कहाँ से? ज़्यादा टॉपिक तो मुझे इतना याद नहीं है। हाँ। वो ही है जानो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 3-4 तो क्वेश्चन थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, नरेशन के? हाँ, नरेशन के 3-4 थे, और बॉयस के 3-4 क्वेश्चन। फ्रेज वर्ब? स्पेलिंग के थे सर, स्पेलिंग चेक। हाँ, 3-4 क्वेश्चन। अच्छा ठीक है सर। मैनेजमेंट का मुझे वेटेज ज्यादा लगा सर। मैनेजमेंट का वेटेज लगा 30-35 क्वेश्चन। 30-35 क्वेश्चन में मतलब पैटर्न चेंज हो गया है पूरा। पैटर्न चेंज शाम वाली शिफ्ट का सर, पूरा पैटर्न चेंज, पूरा पैटर्न चेंज यहाँ पर। ये एनालिसिस काफी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अब मैनेजमेंट टॉपिक बात करें, मार्केटिंग से क्वेश्चन थे सर, एक दो क्वेश्चन था। विपणन, अच्छा हम बात करें नियोजन से? नहीं, प्लानिंग से। सर मैंने इतना पढ़ा मैनेजमेंट, मुझे सिर्फ दो क्वेश्चन समझ में आए कि मैंने पढ़ा है। और कौन कौन से थे सर? एक तो सर पोस्ट कोड सिद्धांत लूथर गोलिक का था। हाँ। और एक सर फ्यूल से, फ्यूल के सिद्धांत, फ्यूल के सिद्धांत हेनरी फ्यूल के। हाँ। बाकी तो सर सब ऊपर से गया, अलग था। जब सुनी हुई चीजें नहीं थी? नहीं, कुछ नहीं, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि सर मैंने पढ़ा है। सारी नई चीजें थी वहाँ पर मैनेजमेंट में, ऐसा कुछ नहीं था कि जो हमने पढ़ा हुआ देखा आपने सर? कोई कुछ नहीं था सर, मैंने दो बुक पढ़ी थी सर मैनेजमेंट की, उसमें से कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था, यानी हम जो मार्केट में अवेलेबल कंटेंट के आधार पर पढ़ रहे थे, कुछ नहीं मान सकते, पर फिर भी उसको पढ़ के हम सॉल्व कर सकते थे। थोड़ा बहुत तो बन सकता सर। चलिए कोई बात नहीं। कंप्यूटर कैसा रहा आपका? कंप्यूटर नॉर्मल था सर, 15-20 क्वेश्चन थे सर कंप्यूटर के। 15-20 क्वेश्चन थे। हाँ। कौन टॉपिक बता सकते? एमएस वर्ड से 3-4 क्वेश्चन थे, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट तीनों मिला के, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट तीनों मिला के 3-4 क्वेश्चन थे। हाँ। और एक HTML का फुल फॉर्म आया था सर। हाँ। और एक वायरस से था। हाँ। तो वहाँ के इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन नहीं था। हाँ। वायरस से 3-4 क्वेश्चन थे सर। वायरस से 3-4 क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट से नहीं थे? नहीं, कोई शॉर्टकट की नहीं, तो शॉर्टकट की बात करें हम, प्रोटोकॉल वगैरह कोई नहीं, कुछ नहीं था ऐसा, कुछ नहीं था। साइंस में बात करें, फिजिक्स? साइंस नॉर्मल थी सर, 15-20 नंबर की थी, जाना की नहीं थी उसमें ज़्यादा वेटेज। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में किसका? पर्यावरण का था। पर्यावरण का वेटेज ज़्यादा था, पर्यावरण के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले सर। GS में सर 8-10 क्वेश्चन करंट के थे। 8-10 क्वेश्चन करंट के, जहाँ एक क्वेश्चन नहीं हमको स्टार्टिंग में दिख रहा था करंट का, यानी पैटर्न पूरा चेंज हो गया। कैसे? कुछ भरोसा नहीं है सर कब क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है। जैसे हम बात करें और कोई GS में MP के क्वेश्चन? नहीं, MP का एक सर रायसेन से था, भीम बैठ का भी गोपाल, बस एक क्वेश्चन नॉर्मल था, वो तो सबसे बढ़िया। और फिर हिस्ट्री पॉलिटी जो नहीं सर, संविधान से था सर, आर्टिकल 40 वाला, बस एक क्वेश्चन, पंचायती राज बस। हाँ। ये वाला क्वेश्चन देखने को मिला।
और इतिहास वगैरह से? नहीं, इतिहास भूगोल वगैरह से कोई नहीं, कुछ नहीं था सर। चलिए बात करें, यानी आपको पेपर को सॉल्व करने में समय भी लग रहा होगा? हाँ टाइम था सर, टाइम कंज्यूमिंग पेपर था, कठिन लग रहा था थोड़ा सा। हाँ सर, अगर हम बात करें जो ओवरऑल जो चैप्टर थे 7-8 टॉपिक, अगर हम इनको करें, सबसे पहले क्या सॉल्व करना चाहिए उसको? सर पहले सर मैंने आगे सर जीएस से स्टार्ट किया था। हिंदी में कहाँ कहाँ से रहे? हिंदी में नॉर्मल था सर, हिंदी में 175 क्वेश्चन से 200 तक, हिंदी के सेपरेट क्वेश्चन थे सर 2500 का। टॉपिक बता सकते हो हिंदी में? मुहावरे में सर, मुहावरे का एक आया था, एक दो लोकोक्तियों का आया था सर, और जिस संज्ञा से आए थे सर 3-4 क्वेश्चन, संज्ञा से आए थे, तो कर्ता कारक कारक वगैरह से आए थे सर, नहीं प्रत्यय उपसर्ग आए थे सर, पत्ते उपसर्ग आए थे, अलंकार वगैरह नहीं, अलंकार नहीं, नहीं आया, वाच्य नहीं आया सर, नॉर्मली था। हाँ हिंदी तो सर नॉर्मल सबसे बने। ठीक है, क्या स्कोर था आपका? सर मेरा भाई 140। सामने देख के बोल दो कितना स्कोर था आपका? 140। तो भाई ओबीसी कैटेगरी से हाँ, हमारे दोस्त 140 स्कोर है, सम्मानजनक स्कोर है, हम बोल सकते हैं कि एक अच्छा स्कोर है। नहीं सकते सर। हाँ अभी भी इनको थोड़ी सी, और भाई हमारे पीएससी की तैयारी कर रहे लगातार। ठीक है, आसपास का स्कोर कोई बता सकते हो आपकी? सर मेरे पास एक लड़की थी उसके सर 85 थे, साइड वाली लड़की के 45 थे, सर मेरी ही हाईएस्ट थे। आपके 140 ही हाईएस्ट थे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, हम आशा करते हैं कि आपका इस वाले में सिलेक्शन हो जाए और आपको जॉब मिल जाए, और आपको भविष्य में पीएससी की तैयारी के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।